उत्तराखंड का एक और लाल वतन के नाम अपनी जान कर गया। शहीद की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों का सैलाब उमड़ा। भारत माता की जय के नारों के बीच चंबावत के शहीद राहुल रेसवाल को विदा कर दिया गया। देशभक्ति के नारे बता रहे हैं देश का एक और लाल वतन के नाम अपनी जान कर गया। कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के जवान राहुल रेसवाल का पार्थिव शरीर चंपावत पहुंचा तो सड़क पर लोगों का हुजूम बताने के लिए काफी था कि शहादत हर किसी के हिस्से नहीं आती। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव कनल ले जाया गया, जहां शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद। हर कोई शहीद के अंतिम दर्शन कर भारत माता की जाबाज लाल को अंतिम विदाई देना चाहता था। जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर लाया गया, वहां कोहराम मच गया। पत्नी बेसुध हो गई, हर कोई बिलख रहा था। यही हाल शहीद के माता पिता का भी था। जवाब तो कड़ा देना चाहिए और जो मतलब पुलवामा में ये जो कांड हुआ है उसको देखकर हमें भी बहुत अफसोस हुआ है। हम भी आर्मी से एक्स सर्विसमैन हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। समय बहुत नाजुक है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसके बारे में ऐसे नौजवान चले जा रहे हैं तो इसमें आर्मी में भी कड़ा कदम उठाना चाहिए और नीट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उत्तराखंड के शहीद राहुल रेसवाल की 2 साल पहले ही शादी हुई 8 महीने की बेटी को बिलखता छोड़ चले गए। देश के नाम अपनी जान कर गए। एक लंबा इतिहास है उनका, उस परिवार का। और सरकार इस दुख की घड़ी में राहुल के परिवार के साथ है। यथासंभव यथाशक्ति उनकी भरसक उनकी सहायता की जाएगी। ये हमारा दायित्व भी हमारी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के जवान राहुल रेसवाल दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। यहां आपको बता दें कि जवान राहुल रेसवाल उस परिवार का हिस्सा थे जिसकी 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है। जवान राहुल रेसवाल के दादा भी सेना में थे, पिता भी सेना में रह चुके हैं, उनका बड़ा भाई भी सेना में है और 25 साल के राहुल रेसवाल देश की खातिर शहीद हो गए। चंपावत से दीपक फुलेरा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।